हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने करीब करीब 26 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं कैंपिंग के रिगार्डिंग, मतलब जो कैंपिंग में करने वाला हूँ उसके संबंधित। तो कुछ आ गए हैं, दो तीन बाकी रह गए हैं। तो क्या कि टाइम है तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ। तो जो रह गए वो भी बता दूँगा आपको क्या रह गए, बाकी कुछ आ चुके हैं तो आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं कैमरे से। ये कैमरा तो मैंने लिया था, लेकिन इसका क्या है, स्क्रीन जो है ना, ये हल्का सा टूटा नहीं है, हल्का सा क्रैक है। तो वीडियो क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे देखते ना तो वो शाइनिंग से दिखाई देता है। तो उसके लिए मैंने ऑर्डर किया ये इसका ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास बोलते हैं इसको। ये ग्लास है, तीन है इसके, तो ये है इसमें तीन है, एक ये स्क्रीन के लिए, एक ये लेंस के लिए, और ये डिस्प्ले जो आगे दिखाई देता है ना इसके लिए, तीनों हैं इसमें। तो कोशिश करूँगा मैं लगाने की इसको, अगर नहीं लगेगा ना तो फिर बाहर से लगवाएंगे किसी मोबाइल शॉप पे से, ठीक है ना, लगा लेंगे। तो इसमें कोई ख़ास नहीं है। तो दूसरा ये है मेरा जो लैपटॉप है मेरा, अगर मैं बाहर जाता हूँ किसी ट्रिप पर तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, एडिट करूं, तो जिससे मेरे जो लैपटॉप की स्पीड थोड़ा हाई हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक जो है ना 256 GB का SSD, एक्सटर्नल SSD एक ऑर्डर किया था। तो ये वो है, इसके साथ जो उसका वो आता ना साथ में, उसका फ्रेम होता है एक, उसके साथ लगाना पड़ता, तो वो बाकी रह गया है। तो ये तभी यूज़ होगा, SSD है तो सब आपने देखा होगा, एक SSD हो गया। ठीक है, एक मैंने ये किया है डेटा के लिए, 1 TB का पोर्टेबल हार्ड डिस्क, तो शिवा का है ये 1 TB। और अब मैं दिखाता हूँ आपको जो जो सामान मैंने ऑर्डर किया। कुछ ये शूज़ हैं राइडिंग के लिए, मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिया, ठीक है ना, ये राइडिंग शूज़ हैं एक। और ये है डिहाइड्रेशन बैग, ठीक है ना, जो राइडिंग करते हैं वो सब जानते हैं इसके बारे में। ये 2.5 लीटर का है, इसमें पानी डालेंगे, पीछे इसको कमर पे लगाएंगे बैग की तरह, और ये रहेगा पानी पीने के लिए बाइक चलाते चलाते। क्योंकि देखा ये गया कि जब हमको बाइक पर हम निकलते हैं ना, करीब 400 किलोमीटर चलानी होती है, तो अगर चाय की या पानी की इच्छा है ना तो 50-60 किलोमीटर तो सिर्फ इच्छा रह जाती है, हम रोक ही नहीं पाते बाइक, देखते हैं दुकान निकल गई अगली वाली। तो आप समझ लो प्यास अगर अभी लगी है और हम 50-60 किलोमीटर के बाद पानी पीते हैं तो कितना बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो ये बैग परफेक्ट है, जैसी प्यास लगे तुरंत पानी पी लो, ठीक है, ख़त्म हो जाए, फिर कहीं रुको 2.5 लीटर फिर ले लो, पानी डाल लो इसमें। तो ये बैग हो गया, अब देखते हैं इसमें क्या है। वाओ, हेडलैम्प फॉर कैंपिंग, मैं खोल के दिखाता हूँ, ये बहुत काम आती है ये चीज़, जब हम कुकिंग करते हैं ना तो इसको यहाँ लगा सकते हैं, इसको कुकिंग करते समय कुछ भी कैंपिंग में बहुत अच्छा, क्योंकि खास से मोबाइल पकड़ेंगे या लाइट पकड़ेंगे तो फिर काम नहीं होता, इसको यहाँ लगा लो परफेक्ट काम करता है। ये शायद चार्ज नहीं है अभी, चार्ज नहीं, बैटरी डलेगा इसमें, 1, 2, 3 बैटरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 बैटरी इसमें आएगा, मुझे लगा था चार्जिंग वाला है, तो बैटरी लाएंगे चलाएंगे। अच्छा है, ये ऐसे लगा सकते हैं, इसको देखते हैं लगा के, ये सामने का है, और ये अगर हमको इसका जिधर एंगल करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है अच्छी चीज़ है, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, प्राइस पता नहीं क्या है इसका, ज़्यादा महंगा है नहीं। एक ये हो गया, और ये क्या है देखते हैं, अभी ध्यान में नहीं रहा कि किस में क्या है, मैं 2-3 दिन से इकट्ठे कर रहा था, मतलब यार सब आ जाएंगे, लेकिन अभी दो तीन प्रोडक्ट जो है ना वो आएंगे 2 तारीख को, तो मतलब यार इतना देखेंगे बात। ओहो, ये वेरी गुड, कैंपिंग में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, अंडे वंडे रखने के लिए, इसमें 1 दर्जन इसमें अंडे आ सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें अंडे टूटेंगे नहीं,
आप समझ रहे हो बात को, इसके अंदर अंडे आएंगे तो टूटेंगे नहीं, इसको बैग में हम रख सकते हैं, कितना दब जाइए अंडा टूटेगा नहीं। बढ़िया यार, ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, इस कैंपिंग का सामान है ये मेरा। इसमें क्या है, वाओ, ये है गैस स्टोव, कैंपिंग में जो यूज़ होता है, सबसे मेन ज़रूरी आइटम खाना बनाने के लिए। ये है इसका फ्यूल, ये ब्यूटेन गैस है, ठीक है ना, इसी से चलाते हैं, ब्यूटेन से, ना LPG ना PNG ना पेट्रोल ना डीजल ना केरोसिन, ये इसका ईंधन है। इसको देखते हैं, जला के देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको। ये 275 ग्राम की है। अब इसको जो जलाने के लिए जो ना, ये हम करेंगे, खोल देंगे, और इस पर लाइटर भी साथ में है, कितना अच्छा चीज़ है ना, है ना। ये आराम से 2 से 3 घंटे चलता है एक कैन, तो 2 से 3 घंटे का मतलब है कि आप समझ लो कितना खाना पका सकते हो। कैंपिंग है यार, वो लकड़ी वकड़ी से बर्तन काले होते हैं थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा बचेंगे, यूज़ तो वो भी करना पड़ेगा, लेकिन गैस फिर भी ठीक है। इसको सामान को उठाते हैं, बाकी और दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए भाई, बजट कैंपिंग रहेगी अपनी, अगर मैं ये सामान अमेजोन से ख़रीदता तो ये पूरा जो ये करीब पड़ रहा था मेरे को 3,000 से ज़्यादा का, ठीक है। और ये मैंने मंगाया सिर्फ मैंने सिर्फ जाके दुकान से ख़रीदा है 700 रुपये में। और इसमें दिखाता हूँ मैं क्या क्या है, 700 रुपये में क्या क्या सामान है। ये तीन डब्बे हैं ऐसे, नमक मसाला वसाला रखने के लिए। ये 2 चाकू भाई, अमेजोन से लेने जाओगे ना तो चाकू दिखाते हैं, बड़े बड़े महंगे वो, तो क्या करना है अपने को। ये 10 रुपये का चाकू है, 70 रुपीज़ की, 10 रुपये बर्तन को पकड़ने में, 40 रुपीज़। और कुकवेयर सबसे महंगे ये हैं, अमेजोन से लेंगे हम, वो कोटिंग है उस पर ब्लैक। ये चाय वाय के लिए छोटा, इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, सब्ज़ी दाल, और ये राइस, ये पानी गर्म कर सकते हैं, राइस पका सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये 700 का ये सामान नहीं, इसके साथ में ये भी है, तो इसको हटा देते हैं, तो बाकी मैं दिखा देता हूँ कि खाने के लिए जो फास्ट फूड ही कहेंगे इसको यार, जो मंगाया मैंने आपको, जो जल्दी से कुक हो जाए। इंस्टेंट मैगी, पानी डालो 3 मिनट में पक जाती है, इसके अंदर पानी डालो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये प्योरो नमक है, तो ये मेरा रेजर इससे मतलब नहीं। ये ओट्स के पैकेट हैं कुछ, अलग अलग फ्लेवर है। ये मैंने डीमार्ट से ऑर्डर किया, घर देके गया, ठीक है, 49 रुपये लिया उसने डिलीवरी चार्ज, अच्छा यार, जाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, 100 रुपये का पेट्रोल लगता, टाइम ख़राब होता, घर दे गया वो। ये कुछ ओट्स के पैकेट हैं, ये कुछ सूप हैं, ये भी अलग अलग फ्लेवर हैं, और ये है प्रीमिक्स टी रेडी, इसमें 10 पाउच हैं। एक पाउच को डालो कप में, गर्म पानी डालो, घुमाओ, आपकी परफेक्ट चाय तैयार। सबसे बेस्ट चीज़ चाय की पत्ती, अदरक, शक्कर का झंझट ख़त्म है, डालो और पकाओ, ठीक है। ये जब यूज़ करेंगे, जब हम कैंपिंग करेंगे ना, तब दिखाएंगे कैसे यूज़ करते हैं। ये है तो ये कैंपिंग बल्ब है, USB से 2.5 वाट का, इसको हम पावर बैंक से चला सकते हैं। ये क्या बोलेंगे इसको, ये आएगा इस तरह से, क्योंकि भाई बाइक राइडिंग करते समय बहुत ज़रूरत होती है इस चीज़ की। ये और ये ऐसे, इसमें सब चीज़ें हैं, मोबाइल और वॉलेट। ज़्यादा भाई डिटेल में बता नहीं रहा, आप सब जानते हैं, सब समझदार लोग हैं। अब ये क्या है, ये हार्ड डिस्क के लिए, पोर्टेबल हार्ड डिस्क के लिए अलग से मैंने मंगाया इसका एक बैग, क्योंकि क्या होता है कि ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अलग ये इसमें आ गया। बाकी इसका जो USB केबल है वो इधर आ जाएगा, और भी एक दो आइटम रख सकते हैं इसमें। तो मैंने ये हेलोजन बल्ब मंगा के रखा है एक्स्ट्रा, इसको मैं अपने साथ रखूँगा, जैसे वो ख़राब होगा कुछ होगा तो तुरंत इसको लगा लूँगा, मैं खुद लगा सकता हूँ, ठीक है। और ये मिनी कीबोर्ड है, जब हम बाहर रहेंगे और डेली ब्लॉग करना है तो लैपटॉप पे, भाई मेरे को लैपटॉप के कीबोर्ड पे काम नहीं होता, तो मुझे लैपटॉप पे भी माउस और कीबोर्ड चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, अच्छा प्राइस नहीं बता रहा भाई मैं, आप प्राइस सबको मालूम है, प्राइस बताने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये है स्लीपिंग बैग, ये पिलो है साथ में इसके, तो ये हवा भर दी मैंने, ये पिलो है, ठीक है कैंपिंग के लिए।
7 फिट होगा, ये 7 फिट लॉन्ग है और -10 डिग्री तक इसमें रह सकते हैं। अमेज़ोन की जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग -10, लेकिन मुझे लगता नहीं कि -10 में काम करेगा। बारिश के टाइम में बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। एक ये है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कैंपिंग के लिए। बस ये है कि भाई कैरी, बाइक पे कैरी कर सको आप, वो उतनी ही मतलब होना चाहिए जिगरा। ये सब सामान एक ही बाइक पे जाना, बाकी एक बैग और है जो टील बैग है, इतना बड़ा वो भी रहेगा, कपड़े रहेंगे और सामान बहुत है जो पहले ले चुका हूँ मैं। टैंक बैग भी रहेगा, टील बैग है पीछे, टील बॉक्स भी है, और ये सामान भी सब जाना है बाइक से। डेली यूज़ करना है, फिर डेली पैक भी करना है बाइक में, तो कोई इजी काम नहीं है। बस यार गलती ये हुई है कि कलर मैंने ये चूज़ नहीं किया था, वो ग्रे कलर था, इन्होंने ग्रीन भेज दिया। चलेगा कोई बात नहीं, कलर से क्या है। ये चेयर है कैंपिंग चेयर, ₹150 kg तक ये वेट संभाल सकती है चेयर, क्योंकि कहीं भी बैठ के बाइक रोक दी आपने, कुछ जगह नहीं है बैठने के, 1-2 घंटे आराम करना है, कुकिंग करनी है तो निकालो अपना चूल्हा, सिलेंडर, उसमें गैस लगाओ, मैगी बनाओ, चाय बनाओ, खाओ। बाइक कहीं भी रोड पे, रास्ते पे, यार कोई मना नहीं करता, पेड़ के नीचे, दिन की बता रहा हूँ। और वैसे भी नाइट में भी कहीं कैंपिंग करते हैं तो ये काम आएगा, है ना। एक चेयर ज़रूरी है, और एक आइटम भाई ये है, इसे तो आप जानते होंगे, योगा मैट, ठीक है। ये किस लिए है? ये टेंट के अंदर मैट काम करेगा। मैंने एक मैट और लिया है, तो पहले वो लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, और इस पर कैरी वो अपना स्लीपिंग बैग लगाओ और सो जाओ, ठीक है। चलो खोल के दिखाते हैं। फोर mm है ये, इसकी थिकनेस जो ना 4 mm है, ठीक है। और ये लगाना है, और सबसे मेन चीज़ भाई जो कि कैंपिंग में काम आने वाली है, सबसे मेन, इसी की वजह से मैंने सब सामान दिखाया, क्योंकि इसको आने के बाद फिर मेरे से कंट्रोल हो नहीं रहा था। तो इसको खोलते हैं भाई, कुछ और मत कर जाना। ये है हमारा टेंट, वाह थैला भी है यार, ये मैं सोच रहा टेंट ही कलर का है। क्वालिटी इतना अच्छा है नहीं, लेकिन चलेगा, वो डीकैथलॉन से लाना पड़ेगा, वहीं मिलता है कैंपिंग का सामान सारा, क्योंकि बारिश में काम नहीं करेगा, बारिश बर्फ ज़्यादा गर्मी में बेकार है, दिन में तो यूज़ नहीं कर सकते, इसको डबल ले रहे नहीं, सिंगल ले रहे। तो चेक किया, ठीक है क्वालिटी, जैसा प्राइस है 1000 वैसी क्वालिटी है, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है। अभी एक्सपीरियंस हमको भी हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी टेंट लगाने की, निकालने की, तो बाद में देखेंगे। अच्छा डीकैथलॉन सबसे अच्छा, वैसे डीकैथलॉन है कैंपिंग का सामान लेना है तो आपको जाके ऑनलाइन उनका वेबसाइट ले सकते हो आप, अमेज़ोन पर, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे ये क्वालिटी इसका जिस, लेकिन 1000 जैसा है वैसा है क्वालिटी है। डीकैथलॉन में 2000 से स्टार्ट है, लेकिन टेंट अच्छे हैं। इसको फोल्ड कर लेते हैं। एक ये है जो गलती से छूट गया था, ये पोर्टेबल वाटर टैंक है जो कि कैंपिंग में बहुत काम आता है। मैं इसको दिखाता हूँ खोल के। ये शायद मैंने ऑर्डर किया था 5 लीटर का आएगा, ये 5 लीटर का वाटर टैंक है। फोल्डिंग, इसको कैरी करने में इजी है, डाल के इसमें यूज़ कर सकते हैं कहीं, तो एक अच्छी चीज़ है कैंपिंग के लिए। इस सामान को, ज़्यादातर सामान को हम यूज़ करेंगे कैंपिंग करेंगे, फर्स्ट कहीं जाएंगे नदी के किनारे, जंगल में, किसी को साथ लेके, क्योंकि पहला है मैं, पहले मैं अकेले नहीं कर सकता सोलो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जंगल में यार। अभी आपको सामान दिखाना, दिखा दिया कैसे यूज़ होगा, किस तरह से, अभी हमको नहीं पता कि किस तरह से हम सेटिंग बिठाएंगे। तो यही था, सिर्फ सामान दिखाना था, 3-4 सामान बाकी है, वो आ जाएंगे जब यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे। और सबसे अच्छा आइटम जो मंगाया मुझे ये आया यार, सबसे अच्छा लगा मुझे। तो यही है भाई, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्ट कैंपिंग करेंगे, ठीक है ना, बीच में कुछ हुआ तो कर लेंगे, लेकिन कैंपिंग की प्लानिंग करो। अभी तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, कोल्ड मुझे हुआ है, तो
इस बिजनेस में जा नहीं पा रहा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।